जी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ के आए हो? हैं? बोलो। बोलो, पढ़ के आए हो? हैं? डोवर्नियर ट्रेड क्या बोलता है, बताओ जल्दी जल्दी। बोलो, दरवाजा लगा। सबसे पहले तो है वो किसके बेसिस पे था तुम्हारा? एटॉमिक मास। इज दैट क्लियर? किसके बेसिस पे था तुम्हारा? एटॉमिक मास, ठीक है। और उसका स्टेटमेंट तुम्हारा क्या था? तीन तीन एलिमेंट का सेट को तैयार किया था, जिसको वो क्या बोलता था? ट्रेड बोलता था, ठीक है, ट्राइड बोलता था। बात समझ में आया? उसमें वो क्या करता था कि दो का, यदि हम ए बी सी ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं, यदि हम ए ए बी सी ले रहे हैं, ए का और सी का जो मास रहता था, उसका एवरेज जो रहता था, वो किससे मैच करता था? बी से तुम्हारा मैच करता था। बात समझ में आया? जैसे एग्जांपल यदि हम ले लें तो लिथियम सोडियम पोटासियम, सबसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं? लिथियम सोडियम और पोटासियम। बात समझ में आया? इसका तुम्हारा कितना? 7, ठीक है, 39। और इसका यदि एवरेज निकालोगे तुम तो कितना आ जाएगा? 23 आ रहा है तुम्हारा, एक ही हो गया। दूसरा यदि हम एग्जांपल ले ले तो कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम, ठीक है, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम, ठीक है, कैल्शियम का कितना होता? 40, ठीक है, बेरियम का कितना हो जाता है तुम्हारा? 137। अब 40 प्लस 137 अपॉन 2 करोगे तो 188.5 समथिंग तुम्हारा आएगा, ठीक है, 88.5 समथिंग तुम्हारा आएगा, ठीक है। और जो तुम्हारा किसका है? 88 इसका होता है। बात समझ में आया? क्लियर है ना? तो इस तरीके से वो करके कर रहे थे। और एक एग्जांपल यदि लोगे तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का आ जाएगा, तीसरा एग्जांपल, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन और किसका आ जाएगा? आयोडीन। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। आयोडीन का बताओ? 127। यस, 127। और इसका करोगे 35.5 प्लस 127 अपॉन 2, तो ये अप्रोक्स कितना आ जाएगा? ब्रोमीन का 80 होता है जी। बात समझ में आया? मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आ रहा था, लेकिन ये वाला ज्यादा देर तक चला नहीं, ठीक है, ज्यादा दूर तक ये वाला चला नहीं। बात समझ में आया? उस समय तक जो भी एलिमेंट्स नोन थे उस हिसाब से उन्होंने किया, लेकिन ज्यादा दूर तक चला नहीं। लेकिन किसमें किसमें वो अप्लाई किए थे वो चीज थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। पर इसका एवरेज तुम निकालोगे तो 81.25 आएगा, 81.25, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो मैच कर रहा था, लेकिन उसके बाद वो मैच नहीं कर रहा था। बात समझ में आया? क्लियर है ये चीज? अब यदि तुम देखोगे तो किसमें किसमें ये चीज कर रहा था, तो यदि शॉर्टकट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं लीना के कस्बा में सीबीआई का छापा, ठीक है। पहली बार सुन रहे हो? हाँ, अभी बहुत सुनने को मिलेगा, ठीक है। देखो, लीना के कस्बा में, ठीक है, लीना के में सीबीआई का छापा, ठीक है, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी हम भी लिखते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो देखो यहां पे क्या है, Li क्या है? लिथियम, Na सोडियम, K4 पोटेशियम, Ca कैल्शियम, S स्ट्रॉन्शियम, Ba बेरियम, सी बी आई जला, ठीक है। क्या याद करना है? लीना के कस्बा में सीबीआई का छापा। इनऑर्गेनिक में बहुत सारा तुमको जो है ना शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, बहुत, ठीक है, और बड़ा इंटरेस्टिंग है यदि ध्यान दोगे, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन है। कुछ ही का जो है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, उसको तुमको ध्यान में रखना है। बहुत ज्यादा याद करने नहीं बोलेंगे, रट्टा मार जो है वो केवल 20% तुमको मिलेगा, ठीक है, बाकी 80% एकदम सेट कर लो दिमाग में। यदि हम इसमें पढ़ रहे हैं तो 20% तो रट्टा मार ही है, मतलब बिना वो एक्सपेरिमेंटल डेटा तकरीबन रहता है, ठीक है, और बाकी 80 तुमको सबका मिलेगा, ठीक है, और सब तरीका ही बताएंगे कैसे उसको याद करना है, कैसे हैंडल तुमको करना है, ठीक है। और भी इसमें है जिसमें ये चीज देखने को मिला, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ठीक है, ये वाला चीज और भी तुमको देखने को मिला, बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये भी ध्यान में रखना। और किसमें तुमको देखने को मिला है? फॉस्फोरस आर्सेनिक SB, फॉस्फोरस आर्सेनिक SB, ठीक है। और ये चीज तुमको किस में देखने को मिला है? SSET,
टी, ठीक है, ये और है जिसमें ये ट्रेड जो है वो देखने को मिल रहा था, उन्होंने किया था, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था कि कुछ एलिमेंट्स को, ठीक है, नियर अबाउट सेम एटॉमिक मास, उनका जो था दो चीज था, एक तो जो था उन्होंने क्या किया था, ध्यान से समझना, दो एटम को एटॉमिक मास को क्या किया था, एवरेज निकाला था, बीच वाले का निकला था, ठीक है, और उसके बाद कुछ यदि नियर अबाउट सेम एटॉमिक मास वाले को एक साथ रखा था। जनरली बुक में क्या पढ़ने को मिलेगा, केवल ये वाला, लेकिन एक स्टेटमेंट और उनका है कि नियर अबाउट सेम एटॉमिक मास वाले को वो क्या किए थे, साथ में रखे थे। एग्जांपल के तौर पे आयरन वाला, ठीक है, ये जो तुम्हारा है FeCONi, इसको साथ में रखा था, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा RuRHPD, ठीक है, RuRH, ये तुम्हारा PD, इसको भी साथ में रखा था, ठीक है। और साथ ही साथ OSIRPT, इसको भी जो है उन्होंने क्या रखा था, साथ में रखा था। तो ये चीज ध्यान में रख लेना, नियर अबाउट सेम एटॉमिक मास, ये वैसे एलिमेंट हैं, ठीक है, नियर अबाउट सेम एटॉमिक मास, ठीक है, ये ऐसे FeCONi, RuRHPD, OSIRPT, ऐसे इस तरीके से, ठीक है, ध्यान में रहेगा। डिमेरिट्स, ऑल एलिमेंट डो नॉट फॉलो द ट्राइड, सारे एलिमेंट ये ट्राइड जो है वो फॉलो नहीं कर रहे थे, बात समझ में आया, ठीक है, ध्यान में रख लेना। जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कर रहा है अप्रोक्स मान, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन करे तो नहीं करेगा, एग्जाम्पल में है, डिमेरिट्स का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। और दूसरा था ही अरेंज एलिमेंट्स ओनली इन ग्रुप, ये केवल ग्रुप में बताएं, पीरियड वगैरह ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। तो ये इनका क्या था, तुम्हारा डिमेरिट्स था। अब आ जाओ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, उनके अनुसार क्या था, उस समय तक जो एलिमेंट वहां पे थे, ठीक है, उन्होंने उसको क्या किया, बोलो, हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास किया, ठीक है, यही पहला वाला जो था जिसमें पीरियोडिसिटी आया एक तरह से, ठीक है, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट आया, कहने का मतलब कि आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ जब एलिमेंट क्या हुआ तो ऊपर वाला का जो प्रॉपर्टीज था वो क्या कर रहा था, मैच कर रहा था, बात समझ में आया। लेकिन ये इनका लिमिटेशन क्या हो गया, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं चला, यही चीज है ना, ठीक। तो ये चीज तुमको पता है, ये कौन सा है तुम्हारा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक। और सारे का मैं पता नहीं, सही है तो जान रहे हो, कहां तक ये केवल था तुम्हारा 20 तक, ठीक है, 20 के बाद ये नहीं था, 20 तक ही था, 20 के बाद ये नहीं था। और उस समय ध्यान रखना नोबल गैस को इन्होंने अकाउंट में नहीं लिया था, क्योंकि नोबल गैस था भी नहीं, मेंडलिफ्स तक नहीं था, बात समझ में आया, क्लियर है ये चीज। उसके बाद आ जाओ लोथर्मियर क्लासिफिकेशन, ठीक है, लोथर्मियर क्लासिफिकेशन किस चीज पे था, उन्होंने क्या किया था, एटॉमिक मास को, ठीक है, इनका स्टेटमेंट तुम्हारा क्या बोलता है, ही डिटरमाइंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट बाय डिवाइडिंग देयर एटॉमिक मास विद डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इन सॉलिड स्टेट। इन्होंने किस चीज को डिटरमाइन किया था, एटॉमिक वॉल्यूम को, ठीक है, किसको, एटॉमिक वॉल्यूम को, ठीक है। और वॉल्यूम बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है, यानी कि मास अपॉन डेंसिटी इन्होंने किया था, और किसको निकाला था, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट इन देयर सॉलिड स्टेट, ठीक है, बात समझ में आया। और उसके बाद उसको कैसे सजाया, ग्राफ पे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनका बड़ा खतरनाक है, ऐसे ऐसे करके तुम्हारा पूरा जो है गया था, समझ में आया, पहाड़ी एक पे पहाड़ी, दूसरा पे पहाड़ी, बंदा चला गया था, बात समझ में आया, वो बड़ा 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 होते गया था। इनका सबसे जो डिमेरिट था वो ये था कि प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, अंडरस्टूड, प्रैक्टिकली इसको याद करना संभव नहीं था, बात समझ में आया। हालांकि कुछ उन्होंने ट्रेड बताया, हालांकि उन्होंने कुछ चीजें बताई जो कि सही थी, जैसे इनका डिमेरिट यदि हम बात करें, ऑब्जर्व्ड उन्होंने क्या किया, एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन इन द कर्व, यदि सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट हैं तो वो सिमिलर पोजीशन पे आ रहे थे, जैसे कि यदि डाउन द ग्रुप यदि कोई प्रॉपर्टी सेम हो रहा है तो वो उस टाइप का एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो है वो डाउन द ग्राफ में ही पाया जा रहा है, बॉटम ऑफ द ग्राफ पाया जा रहा है, ठीक है, नीचे। और यदि एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी कुछ है, मान लेते हैं एक्स वाई जेड कुछ है, वो यदि अप में है
ठीक है, टॉप ऑफ द, यदि हम ये कहें टॉप पे पाया जा रहा है, तो उस टाइप के प्रॉपर्टी वाले सारे टॉप पे है। यदि डिक्रीजिंग में पाया जा रहा है, तो उस तरीके के एलिमेंट के सारे प्रॉपर्टी वाले डिक्रीजिंग में पाए जा रहे हैं। यदि अप में है, तो सारे तरीके के एलिमेंट वाले प्रॉपर्टी सेम एलिमेंट वाले कहां पाए जा रहे हैं, अप में पाए जा रहे हैं। बात समझ में आया। अब उसी में डेटा जो कहता है वो ये कहता है कि अल्कली मेटल ऑक्यूपाई कर रहा है टॉप पे, यानी कि इस टॉप पे तुम्हारा जो है अल्कली मेटल हो रहा है, अल्कली मेटल, ठीक है, अल्कली मेटल, ठीक है, बात समझ में आया। ठीक, उसके बाद तुम्हारा क्या बोलता है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्यूपाइज इन द डिक्रीजिंग, यानी कि ये वाले पे डिक्रीज यहां कर रहा है ना, तो इस पोजीशन पे ये पोजीशन रहेगा AEM, अल्कली अर्थ मेटल, समझ में आया। उसके बाद क्या बोलता है, हैलोजन ऑक्यूपाई पोजीशन इन द एसेंडिंग ऑर्डर, एसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व, यानी कि हैलोजन X, यहां पे क्या मिल रहा है X, अंडरस्टूड। और क्या बोलता है, हेवी मेटल मेटलॉइड ऑक्यूपाई द पोजीशन बॉटम, यानी कि ट्रॉफ ऑफ द कर्व, समझ में आया, यानी कि बॉटम पे कौन मिल रहा है, हेवी मेटल्स, ठीक है, हेवी मेटल्स जो है वो कहां पे मिल रहे हैं तुम्हारे, बोलो, बॉटम पे मिल रहे हैं। बात समझ में आया। तो यही इनका था तुम्हारा, ठीक है, कंक्लूजन क्या मिला ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है, इसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम और वो जो था पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, बेसिकली इन्होंने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, यानी कि जो प्रॉपर्टीज जो था वो किसके बेसिस पे फिर दोबारा आ गया, एटॉमिक मास जो था, लेकिन उन्होंने किसको लेकर के फाइंड आउट किया था, एटॉमिक वॉल्यूम, यहां पे एटॉमिक वॉल्यूम है तुम्हारा, ध्यान में रखना कि एटॉमिक वॉल्यूम इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ क्या, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। उसके बाद तुम्हारा मेरिट्स में क्या आ गया, इट इज द फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, ये सबसे पहला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था किसका, एलिमेंट का, सबसे पहला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था एलिमेंट का। सेकंड तुम्हारा क्या है, उसके बाद डिमेरिट का यदि हम बात करें तो लैक ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटी, ठीक है, प्रैक्टिकली यूज करना संभव उतना नहीं था, डिफरेंट कर्व, ठीक है, फॉर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सबसे बड़ा डिमेरिट था। यदि हम एटॉमिक वॉल्यूम बता रहे हैं तो उसका कर्व ऐसे निकल रहा था, एटॉमिक मास से हम जाएंगे तो उसका कर्व और कुछ दूसरा निकलेगा, और डेंसिटी से जाएंगे तो उसका कर्व कुछ और निकलेगा, अंडरस्टूड। तो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट कर्व आ रहे थे, सबसे बड़ा समस्या था। बात समझ में आया, क्लियर है। उसके बाद यदि हम तीसरा डिमेरिट की बात करें, फॉर लार्ज एलिमेंट, लार्जर एलिमेंट कर्व बिकम कंफ्यूजिंग, यानी छोटे छोटे जब एलिमेंट जब थे, यानी कम थे, एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जब तक था तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स और बढ़ते जा रहे थे ना, वैसे वैसे जो है ग्राफ और कंफ्यूजिंग आ रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में तो एलिमेंट कितने हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम तो नहीं था, उसके बाद लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, समझ में आया, ये पहला वाला। अब जो लॉन्ग वाला पढ़े हो ना नीचे में, एफ ब्लॉक वाला, डी ब्लॉक वाला, जब ये एलिमेंट्स आने लगे तो बहुत सारा एलिमेंट एक साथ आने लगा, अब एक साथ आने लगा तो फिर ग्राफ क्या होने लगा, और कंफ्यूजिंग होने लगा, क्योंकि पहले भी पढ़ चुके हो ना कि प्रॉपर्टी जो है आगे जाकर के चेंज हो जाता है, हम लोग ऐसे देखते हैं डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ता है, लेकिन ग्रुप 13 में थोड़ा सा 19-20 भी होता है, ग्रुप 13 किसका वाला, बोरोन वाला फैमिली होता है ना उसमें, ठीक है, तो वहां पे केस आ जाएगा, डी ब्लॉक में आ जाएगा, लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स में आ जाएगा, तो प्रॉपर्टीज में बहुत सारे चेंजेस आने लगे, तो ग्राफ वहां भयंकर वाला कंफ्यूजिंग होने लगा। बात समझ में आया। तो ये कुल मिला जुला करके इनका क्या था, डिमेरिट्स तुम्हारा रहा। मेंडलिफ्स यदि हम आ जाते हैं तो समझ लो नया वाला जो अपना पीरियोडिक टेबल है वो बहुत हद तक मेंडलिफ्स पे ही वो है, ठीक है, पुराना वाला जो पीरियोडिक टेबल है बहुत हद तक किस पे है तुम्हारा, मेंडलिफ्स पर है। फास्ट जा रहे हैं क्या, बता दो, है? पढ़ करके आओगे तो फिर ठीक रहेगा, अब बिना पढ़ करके आओगे तब तो फिर लगेगा कि यहाँ क्या चल रहा है, पर लेक्चर यदि देखे हो तो, पीरियोडिक टेबल देखे हो ना, हाँ, तो ध्यान रखना इस चीज का, यदि देखे हो, नोट्स प्रॉपर बनाए हो, हर एक बार रिवीजन करके आ रहे हो, तब तो ठीक है, पूरा फिर समझ में आने लगेगा, समझ में आया, हाँ। तो उसके बाद अपना क्या देखना है, मेंडलिफ्स पीरियोडिक टेबल, और मेंडलिफ्स पीरियोडिक टेबल अच्छा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ना वो भी तुम्हारा बेस्ड है किस पे, मेंडलिफ्स लॉ पे, अकॉर्डिंग टू विच फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस,
या फिर ही फंस गया, क्या बोल करके, ये एटॉमिक मास पे करता है, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास पे डिपेंड कर रहा। बात समझ में आया, किस पे डिपेंड कर रहा तुम्हारा, एटॉमिक मास पे। और क्या बोल रहा था कि नियरली 63 एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन द 7 हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है, दैट इज पीरियड, एंड 9 वर्टिकल कॉलम, दैट इज ग्रुप्स। यही पहला आदमी था जिसने क्या किया कि पीरियड और ग्रुप में बांटा। बात समझ में आया। और उस समय कितना एलिमेंट नोन था, 63। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। समझ में आया, क्लियर है। अब जो उसने क्या किया कि 7 पीरियड और 9 ग्रुप, बेसिकली 80 था, एक जीरो वाला जो था वो रामसे नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, विच इज एप्लीकेबल फॉर द नोबल गैस, अंडरस्टूड। तो इसने क्या किया कि 8 लिया, दैट इज रोमन में 1, ठीक है, 2, देखना जी 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, और ये तुम्हारा रहा 8, यही रहा ना। और एक जीरो वाला जो था रामसे नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है, रामसे नाम के साइंटिस्ट ने जीरो वाला ग्रुप दिया था, ठीक है। और ये जीरो ग्रुप कब किसके लिए हो गया, नोबल गैस के लिए। बाद में यही ग्रुप किसके लिए हुआ तुम्हारा, नोबल गैस के लिए, उस समय नोबल गैस तक नहीं था, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि ये जो ग्रुप है 7 तक, उसको सब डिवाइडेड कर दिया 2 सब ग्रुप में, दैट इज ए एंड बी। ए वाला जो तुम्हारा रहा वो कौन सा रहा तुम्हारा, नॉर्मल एलिमेंट, ठीक है, या फिर इसको तुम्हारा क्या बोला, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और ये वाला जो है वो किसके हैं, एस एंड पी ब्लॉक के, अंडरस्टूड। और जो बी वाला है उसको क्या बोला, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ में आया। और ये वाला तुम्हारा किसके हो गए, डी ब्लॉक के, क्लियर है, ठीक है। यानी कि अब तुम जरा सा सोचो कि क्या यहां से यदि हम यहां तक जाएं तो क्या 7 × 2 = 14, समझ में आ रहा है, 7 × 2 कितना हो गया, 14 हो गया। और 8 वाले में उसने 3 ठो को रखा था, 3 को ऐसे करके रखा था, समझ में आया, 3 का ग्रुप रखा था 7 वाले में, 8 वाले में, समझ में आया। वो कौन कौन सा था, यही वाला FeCuNi, जो ये कौन सा डोबेनियर वाला है ना, Fe, ठीक है, CuNi, उसके बाद क्या था जी बताओ, Ru, Rh, Pd, OS, Ir और Pt, समझ में आया। तो यदि अब तुम देखो जरा सा, 7 × 2 = 14 यहां हो गया, 14 15 16, और ये एक जाला, यानी कि पूरा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्या इसके बेस्ट पे नहीं है क्या, है ना, देख लो जरा सा। तो ये तुम्हारा एक तरह से सबसे बड़ा तुम्हारा एक तरह से इसका यूज रहा, एप्लीकेशन रहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने में। पीछे ओए क्या हुआ, हाँ तुम्हारा आंख बंद था, नींद आ गया, जम्मू तो कर गया, जल्दी 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 है, यही धोएगा, पानी पीलेगा तो हो जाएगा, पी ले पी ले, यही धोना है तो खिड़की खोल के है, ऐसा करेगा यार, है सोएगा। अब पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग से तो पंगा लो ही मत। अरे तो ये दो चैप्टर जहां साफ हुआ ना, बहुत सारा चीज इस पे डिपेंड करता है पीरियोडिक टेबल। अरे भैया कहां से करोगे, पीरियोडिक टेबल आएगा तभी केमिकल बॉन्डिंग आएगा, और उसी में सीखना है बॉन्ड कैसे बनता है, क्या होता है क्या नहीं, वो तुम पढ़ाया जा चुका है, और फिर सारा चीज उसी से इंटरलिंक होता है। आगे जीओसी में भी आ रहा है ना, धीरे धीरे करके आएगा, अभी और आने वाला, ठीक है, सारा कुछ हाइब्रिडाइजेशन वगैरह उसमें सिखाया जाता है, शेप क्या होता है क्या नहीं होता वो सिखाया जाता है, और आगे फिजिकल में भी कई सारा चीज जो है ना वहां से लिंक्ड किया जाएगा, ऑर्गेनिक में भी आगे भी MOT का यूज होगा, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का। तो ध्यान रखना जरा सा, ये तो फिसल जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। उसके बाद बस ध्यान में रखना, ईच ग्रुप इज डिवाइडेड, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट 0 और 8, हर एक को 2 में डिवाइड किया गया था, किसको छोड़ करके, 0 और 8 को छोड़ करके, ठीक है, उसका मेरिट्स यदि आ जाए
मिनट्स में आ जाए तो क्या बोलता है, ही हैज सिंपलीफाइड एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। उसने क्या किया था, प्रेडिक्टेबल को एक सिस्टमाइज वे में, ठीक है, और मतलब एक बड़ा ही आसान तरीका बता दिया प्रेडिक्टेबल को स्टडी करने का। बात समझ में आया, पहला मेरिट तो ये हो गया। दूसरा मेरिट क्या हो गया बताओ, उसने क्या छोड़ा था, जगह छोड़ा था, ठीक है। उसने क्या किया था, he left some blank spaces for discovering of new element, new element के लिए उन्होंने जगह छोड़ा था। क्या छोड़ा था, एक्का एल्युमिनियम, ठीक है, एक्का, ठीक है, एल्युमिनियम, इसके जगह पे क्या आया था तुम्हारा, गैलियम, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला तुम्हारा क्या था, एक्का बोरोन, ठीक है, ये बी, इसका क्या था, स्कैंडियम, ठीक है। उसके बाद तीसरा तुम्हारा सिलिकॉन, एक्का सिलिकॉन, ठीक है, और यहां पे तुम्हारा कौन आया था, जर्मेनियम, एसआई होगा, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा फोर्थ में कौन था, मैंगनीज, ठीक है, Mn, और इसका टेक्नीशियम टी। बात समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये भी ध्यान में रखना, कैसे याद रखोगे, अलका गायत्री, ठीक है, बीएससी, अलका गायत्री बीएससी की है, ठीक है, और सीता गीता एमटेक है, जाला, ठीक है, सीता अलका गायत्री बीएससी, सीता गीता एमटेक, खत्म। और इस सब एसएमटी है, एसएमटी जान रहे हो ना क्या होता है, हाँ, सस्ता मजबूत और टिकाऊ। अच्छा दूसरा बात, दूसरा बात इसने क्या किया, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, ये बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो दूसरा था ना, तीसरा करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट का करेक्शन किया, ठीक है। क्या एटॉमिक वेट का करेक्शन किया, बेरिलियम का जो था वो एटॉमिक वेट तुम्हारा 13.5 बताया गया था, ठीक है, बेरिलियम का तुम्हारा पहले जो है वो कितना बताया गया, 13.5, लेकिन एक्चुअल में तुम्हारा क्या होता है, 9, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। तो तुम्हारा जो है इसका एटॉमिक वेट बराबर एन फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट वेट होता है, ठीक है, एन फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट वेट, समझ में आया। तो एन इक्विवेलेंट वेट तो इसका 4.5 था, ठीक है, अब एन फैक्टर जो है इसका वो ले लिया गया था 3 पहले, तो 3 × 4.5 कितना हो जाएगा, 13.5, ये चीज गलत था, यानी कि एन फैक्टर इसका क्या होगा, 2, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 9। तो इसी तरीके से इन्होंने कई सारे एलिमेंट्स का करेक्शन किया एटॉमिक वेट का, ठीक है, जिसमें तुम्हारा है किसका किसका करेक्शन किया, मिटा इधर, किसका किसका करेक्शन किया, तो यूरेनियम का, बेरिलियम का भी बताएं, इंडियम का, ठीक है, उसके बाद एयू का, एयू क्या है तुम्हारा, गोल्ड, ठीक है, और पीटी का, प्लेटिनम, समझ में आया। एसएमटी, यू बेईमान इंसान, और पिटोगे, हो जाएगा, यू बेईमान इंसान और पिटोगे, हो गया, चलो ये भी खत्म। चलो डिमेरिट बता दे, इसका डिमेरिट जो था ना वो था कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बड़ा डेंजरस है, अभी भी वो जो है ना परेशान करता है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है लूज इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर पॉजिटिव आयन, ठीक है, विद सोर्स प्रॉपर्टी इक्वल टू अल्कली मेटल्स, जस्ट लाइक लिथियम, पोटेशियम, अंडरस्टूड, सोडियम, ठीक, और जो हैलोजन होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, विच गेन वन इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट इट्स नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
ठीक है, और हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो अपना नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दैट इज डबलेट को कंप्लीट करता। समझ में आया? तो ना इधर का रहा है ना वो उधर का रहा है, तो मेंडलीव्स के समय वो प्रॉब्लम था, अभी भी है जनरली देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के आधार पर उसको कहां पे रख दिया गया? ग्रुप वन में, समझे? क्योंकि अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या बोलता है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से वो किया है, कैसे सजाया है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को वो सेम ग्रुप में रखा है, तो क्या 1s1 आता है क्या? दैट्स व्हाई, ठीक है, उसको किस में रखा है? ग्रुप वन में रखा है, ठीक है। तो पहला डिमेरिट ये आ गया। दूसरा, नो सेपरेट पोजीशन वाज गिवन फॉर आइसोटोप्स एज दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। यदि तुम एटॉमिक मासेस सजा रहे हो तो भाई आइसोटोप्स को भी ध्यान में रखो। समझ में आया? आइसोटोप जैसे कि हाइड्रोजन की हम बात करें 1, 1, ठीक है, ड्यूटेरियम 1, 2, ट्रिटियम 1, 3, और ये रेडियो एक्टिव होता है ट्रिटियम, ध्यान में रखना, पता है ना? तो इनके बारे में कुछ नहीं सोचा गया, ठीक है। कार्बन 6, 12, कार्बन 6, 13, ठीक है, कार्बन 6, 14, समझ में आया? ये 14 वाला भी रेडियो एक्टिव होता है, कार्बन डेटिंग में काम आता है, बायोलॉजी में पढ़ते हो ना कार्बन डेटिंग, हाँ उसी में, वो सीआईडी वाला में डॉक्टर सालुंग के जो था, ठीक है, पहुंचता था बताता था इसका मौत जो है 2:56 पर हुआ है, अब कुछ बोल देता 50 साल पहले हुआ है, 60 साल, 100 साल पहले हुआ है। लेकिन ध्यान में रखना, कार्बन डेटिंग वो तुम्हारा एग्जैक्ट मौत को नहीं बताता है कि कब मरा था, कार्बन डेटिंग ये नहीं कर सकता, वो पुराना प्राचीन वाला जो होता नहीं, ठीक है, हाँ फॉसिल, उसके बारे में बता सकता है कि हाँ भैया ये 2000 साल पुराना है, हाँ ऐसा नहीं बोल सकता कि 2436 साल 3 महीना 28 दिन 6 मिनट 52 सेकेंड, ऐसा टाइप नहीं बोल सकता, इसमें भी 100-200 साल का फर्क मिल सकता है, समझा क्या? ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। उसके बाद चौथा, तीसरा क्या है, कुड नॉट एक्सप्लेन कॉज ऑफ पीरियडिसिटी, पीरियडिसिटी का कॉज नहीं बताया। पीरियडिसिटी का मतलब क्या है? वही जो प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहा था वो, उसका कॉज ये नहीं बता पाया, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा। चौथा पॉइंट, सिमिलर एलिमेंट प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन, सिमिलर एलिमेंट जो था वो प्लेस्ड कहां हो रहा था, डिफरेंट जगह, ये कौन सा तुम्हारा आ गया, तुम्हारा वो वाला, एक तरह से वो जो तुम्हारा ये कोबाल्ट और निकेल वाला हो गया, साथ में था ना, ठीक है, वो चीज तुम्हारा, वो सब वो 10 में ही तुम लोग पढ़े हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा नॉट करेक्ट पोजीशन जो था वो कौन कौन सा था, वो अब हम तुम्हारा लिख देते हैं, भाई इसको मिटा दें। और ये किस में करेक्शन आया था, AR में, K में, ठीक है, इसका होता है तुम्हारा 40, ठीक है, और इसका 39, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा T और I, ठीक है, और ये तुम्हारा 276 और 127, देख रहे हो ना, इसका ज्यादा है इसका कम है, लेकिन पहले इसको लिखा था, इसका बाद में लिखा था, तो ये गलती कर बैठा था, ठीक है। उसके बाद यदि हम THPA, TH थोरियम PA, ठीक है, उसके बाद CONI, ये चीज तुम्हारा था, तो इतने एलिमेंट्स का जो है उसने क्या किया था, गलत प्लेस कर दिया था, बात समझ में आया? ठीक है, अब देखो, आमिर करीना 3 Idiots में थे, ठीक है, पाम में कोई नहीं, सही बात है ना, आमिर करीना 3 Idiots में थे और पा अमिताभ बच्चन वाला ला 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 ला, याद आ रहा है, उसमें दोनों था क्या? नहीं था, अमिताभ बच्चन था, ठीक है। तो AR जाला आर्गन, के पोटासियम, TE, ठीक, और उसके बाद तुम्हारा क्या I, ठीक है, उसके बाद थे THE, मे को मत ले लेना, ठीक है, PA पा, ठीक है, मे को फिर हटा देना, ठीक है, और KO जो है कोई का वो COI तुम पढ़ना, ठीक है, नहीं तो फिर महंगा पड़ेगा, NI, चलो खत्म, याद रहेगा, आमिर करीना 3 Idiots में थे, पा में कोई नहीं,
ठीक है। अब क्या तुम्हारा बोल रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी थोड़ा सा बस बता देते हैं कैसे वो हुआ, पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कल करने वाले हैं, ठीक है। यदि किसी के पास टाइम हो, मतलब कोई ऐसा कर सकता है तूफानी काम, तो मेरे आने से पहले बना देना। बना सकता है क्या कोई? दो तीन लोग मिलकर बना देना, ठीक है। मार्कर लेना फटाक से, या जो सर रहेंगे उनको बोल देना, या हम ही से ले लेना, छाप देना जितना जल्दी हो सके, ठीक है, ताकि टाइम बचेगा ना। तो बनाने में ही 15-20 मिनट 15 मिनट चला जाता है, तो कम से कम बना हुआ रहेगा। तो आकर के हम क्या करेंगे, केवल एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलो अब क्या बोलता है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो मोजले एक्सपेरिमेंट से बना है। किससे बना है? मोजले एक्सपेरिमेंट से। अब देखना ये थोड़ा सा जो है ना, ये समझना जरा सा, वो ट्यूब लिए थे पता है ना, वो एक ट्यूब लिए थे, ठीक है। उसके बाद क्या किए थे, तुम्हारा इलेक्ट्रोड था, ठीक है। इलेक्ट्रोड पे क्या किए थे, मेटल का इलेक्ट्रोड लिए थे, ठीक है। अब मेटल का इलेक्ट्रोड जैसे कि अरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़े हो ना, बस उसमें उसमें लाइट एनर्जी आ रहा था, इसमें उसने बम्बार्डमेंट करवाया था एक्सरे से, जाला क्या। और एक्सरे के बारे में समझ लो, ये वाला तुम्हारा एटम है, ठीक है, और ये तुम्हारा मान लेते हैं ऑर्बिट्स है, ठीक है, सेल्स है। तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और सेकेंड वाला जब इलेक्ट्रॉन को तुम निकालोगे ना, इस इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालोगे तब एक्सरे होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एक्सरे का। बात समझ में आया? वो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब एक्सरे तुम्हारा होता है। तो वो एक्सरे को, उसी एक्सरे को क्या करवाया, उसने मेटल सरफेस पे बम्बार्ड करवाया। अब मेटल सरफेस पे बम्बार्ड करवाया तो सबसे क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा समझो, ठीक है। और सबका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, नहीं समझो जरा सा, ये हम क्या बोले कि यहां पे एनर्जी उसने डाला, ठीक है, हाई एनर्जी डाला, तो यहां से क्या बना तुम्हारा, एक्सरे, ठीक है, एक्सरे। और एक्सरे डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स का जो एक्सरे, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स से उसने क्या निकाला, एक्सरे। और एक्सरे जैसे कि विजिबल लाइट का तुम्हारा, विजिबल रे का तुम्हारा फ्रीक्वेंसी होता है ना, एक रेंज होता है यहां से लेकर के यहां तक, उसी तरह एक्सरे का भी रेंज होगा यहां से लेकर के यहां तक। तो सारे का जो है ना वो क्या निकल रहा था, तुम्हारा एक्सरे निकल रहा था, ठीक है। अब एक्सरे जो निकल रहा था उसका जो क्या बोलते हैं, एक तरह से समझो वेलोसिटी, सॉरी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक्सरे का जो फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था उसके एटॉमिक नंबर से। बात समझे कि नहीं समझे? डिफरेंट डिफरेंट मेटल लेंगे तो सबका अलग अलग क्या आएगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी आएगा। तो डिफरेंट मेटल लेंगे तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर, समझ में आया, और डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, तो क्या आया था तुम्हारा, z डायरेक्टली टू अंडर रूट न्यू, समझे। यानी कि z बढ़ाते जा रहे थे तो अंडर रूट न्यू भी जो था वो क्या होते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। बात समझ में आया? और इस कंडीशन में उसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन न्यू यदि तुम लोगे ना, न्यू यदि लोगे तो ऐसे ही से करके आएगा, जिगजैग थोड़ा सा आता है। लेकिन अंडर रूट न्यू लोगे तो फिर क्या आएगा, डायरेक्ट आएगा। तो फिर यहां से क्या निकलता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर जाला। अब यहां से अब फिर बाबा प्रकट हुए, नील बोर। अरे बोर वो लोग थे ना, वही लोग मिल करके फिर अपना पीरियोडिक टेबल तैयार किए, जिसमें कई सारे साइंटिस्ट का नाम है। बात समझ में आया? तो ये चीज ध्यान में रखना कि एटॉमिक नंबर का तुम्हारा ये रहा था, और इसमें भी अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, ऐसा एक फॉर्मूला भी है, अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू जेड, सॉरी ए जेड माइनस बी, और ए और बी क्या है यहाँ, कॉन्स्टेंट। ये उतना ज्यादा तुम्हारे लिए नहीं है, बस ये कहाँ से आया वो चीज जानना जरूरी है, ठीक है। क्या बोलता है, बेस्ड ऑन अबव एक्सपेरिमेंट मोजले प्रपोज्ड हेनरीज पीरियोडिक टेबल, ठीक है, सॉरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच स्टेट दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है, देन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी, ठीक है। यदि हम इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में एलिमेंट्स को यदि हम रखते हैं और कुछ देर के बाद, कुछ एलिमेंट्स के बाद यदि हम दोबारा उसको रिपीट करते हैं और ऊपर वाले का यानी पहले वाले का दूसरे वाले का
प्रॉपर्टी सेम मिल रहा है तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। समझ में आया, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। अब पीरियोडिसिटी का डेफिनेशन क्या बोलता है कि रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर इट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या बोलता है, आखिर क्यों पीरियोडिसिटी ये देखने को जो मिल रहा है उसका क्या रीजन है। तो क्या बोलता है कि पीरियोडिसिटी पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल इज ड्यू टू द रीअकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। यानी कि जैसे हम लोग पीरियोडिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किए तो रिपीट जब होगा ना तो ऊपर वाले का और नीचे वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो रहेगा वो मिलेगा, जस्ट लाइक अल्काली मेटल का NS1 और नोबल गैस के बाद करना। ऐसा नहीं कि पूरा कॉन्फिगरेशन को बोलना सर मैच तो नहीं कर रहा है, तो यदि पूरा मैच करवाओगे तो वही एलिमेंट हो जाएगा ना, या तो उसका आइसोटोप्स हो जाएगा। समझ में आया, तो नोबल गैस के बाद वाला अल्कली मेटल्स का क्या करोगे NS1, अल्कली अर्थ मेटल का क्या करोगे NS2, ठीक है। पी ब्लॉक में जाओगे तो क्या हो जाएगा NH2NP1 से लेकर 6। समझ में आया, तो इस तरीके से तुम्हारा जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है वो मैच कर रहा था, यही कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी है। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ही तुम्हारा कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी है। बात समझ में आया, ठीक है। अब कल क्या पढ़ करके आना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ करके आना। अभी यदि कोई डाउट्स है यहां तक में तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और ध्यान में रखना, इसको बोर टेबल भी कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल को बोर टेबल भी कहा जाता है क्योंकि बोर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो 4 टाइप्स में है, यानी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे ना SPDF सबसेल जो था तुम्हारा पढ़े थे ना, तो उसी पे इसको क्लासिफाई किया गया, एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा उसका उस ब्लॉक का नाम वही रख दिया। यदि एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक, आउटर मोस्ट में यदि पी में जा रहा है तो पी ब्लॉक, डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक। तो बताओ हीलियम किस ब्लॉक का है, SPDF। सोचो किसमें है, पक्का सोच लो, -1 मिलेगा। एस या पी, गलत, एस ब्लॉक का है। यस, हीलियम इज रिलेटेड टू द एस ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज आउटर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द एस सबसेल, ठीक है। बट द प्रॉपर्टीज इज रिलेटेड टू द नोबल गैस, इट प्लेस इन द नोबल गैस सीरीज ग्रुप। बात समझ में आया, लेकिन इसको मानेंगे किस में, एस ब्लॉक का, समझे। तो ये एक्सेप्शन है, ध्यान में रखना, नहीं तो फिर -1 से खाता खुलेगा। थैंक यू सो मच। समझ में आया प्रेडिक्टेबल, सस्ता मत बुद्धि का उपयोग में जा रहा लिखना, नहीं तो जो है ना। Thank you.
Thank you.